A very warm and cheerful good morning to my kids. In today's class of E&D, we will learn about chapter number 5, sense organs only. But in previous class, I taught you about sense organs. Sense organs kya hota hai? Hamare human mein kaun se 5 senses hai? Sense of sight means eyes, we see with our eyes. Sense of smell, we smell with our nose. Sense of taste means tongue, we taste with our tongue. Sense of hearing means we hear with our ears. हम किससे फील करते हैं? हमारे स्किन से, राइट? दैट आई टॉट यू अबाउट द सेंस ऑर्गन्स. बट टू लर्न अबाउट द ब्रीथिंग इन द सेंस ऑर्गन्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट ईयर्स एंड आईज. पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, आई विल शो यू द इमेज एंड योर टेक्स्ट बुक पार्ट. पे अटेंशन ऑन द बोर्ड नाउ. व्हिच सेंस ऑफ इट इज? सेंस ऑफ स्मेल. ये क्या है? हमारी नोज. ये गर्ल अपनी फिंगर लगा रही है नोज पे, आपको बता रही है कि नोज वो क्या है? सेंस ऑफ स्मेल. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. इट्स योर पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. नोज, वी स्मेल विद आवर नोज, वी ऑल्सो ब्रीथ थ्रू आवर नोज. शुभा लाइक्स द स्मेल ऑफ रोजेस. पुनः लव्स द स्मेल ऑफ मलाई पनीर. ऋतु डिटेक्ट्स, क्या बोलेंगे इसे? Detects a foul smell from this food item. The food may be rotten and not fit for eating. Now, what does it mean? I will explain you. We smell with our nose. हम किससे smell करते हैं? कौन से sense organ से smell करते हैं? Yes, with our nose. सबको पता ही है. We also breathe through our nose. हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं. ये प्रोसेस इनहेल एक्सहेल का किससे करते हैं? विद आवर नोज. ओके, नाउ व्हाट इज गर्ल सेइंग? शुभा लाइक्स द स्मेल ऑफ रोजेस. शुभा को क्या पसंद है? लाइक्स मींस पसंद. द स्मेल मींस खुशबू ऑफ रोजेस. रोजेस क्या है? फ्लावर्स है. उसको रोज फ्लावर की खुशबू बहुत पसंद है. नाउ कुणाल लव्स द स्मेल ऑफ मलाई पनीर. मलाई पनीर सुनते तो सबको मुंह में पानी आ जाता है, राइट? ओके, नाउ क्या कह रहा है? कुणाल को पसंद आती है स्मेल किसकी? मलाई पनीर की. ओके, तो मलाई पनीर की स्मेल उसको किससे आती है? विच ऑर्गन? नोज. और इसको शोभा को किस कौन से स्मेल अच्छा लगता है? रोज फ्लावर का. तो किससे स्मेल करती है? नोज से. ओके, ऋतु डिटेक्ट्स अ फाउल स्मेल फ्रॉम दिस फूड आइटम्स. अभी ऋतु के पास कुछ फूड पड़ा है, उसको पता पड़ रहा है कि इसमें गंदी स्मेल आ रही है. फाउल स्मेल यानी गंदा स्मेल आ रहा है. डिटेक्ट मींस उसको पता पड़ रहा है कि गंदा स्मेल आ रहा है इस फूड से. तो किससे पता पड़ रहा है? विद सेंस ऑफ ऑर्गन, नोज. द फूड मे बी रोटन एंड नॉट फिट फॉर ईटिंग. अभी क्या बोला जा रहा है कि ये खाना बहुत ज्यादा पक चुका है, इसमें से गंदी स्मेल आ रही है, ये खाने लायक नहीं है. नॉट फिट फॉर ईटिंग, वो खाने लायक नहीं है. उसमें से कौन सी स्मेल आ रही है? फाउल स्मेल, गंदा स्मेल आ रहा है. ओके, नाउ हियर वी नीड नोज. अभी नोज के कुछ टिप्स देख लें. हियर आर ए फ्यू टिप्स टू टेक गुड केयर ऑफ योर नोज. अपने नोज के गुड केयर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ऑलवेज कीप इट क्लीन. हमेशा हमको जैसे ईयर्स क्लीन करते हैं वैसे नोज भी क्लीन ही रखना चाहिए. नेवर पुट एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड इट. कोई भी चीज नाक में कान में डालनी नहीं है, ये ध्यान रखना है. अवॉइड डायरेक्ट इंजरी टू इट. कभी भी इंजरी मींस घाव, कभी भी घाव नहीं लगना चाहिए डायरेक्ट नाक नोज पे. ये ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है कि हमको नाक पे डायरेक्ट इंजरी नहीं होनी चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए. सो हियर वी डिड नोज. अनदर टॉपिक इज, कौन सा पिक्चर दिख रही है आपको? इट इज वेरी क्लीन. टीथ को नहीं देखना है, लिप्स को नहीं देखना है. वी हैव टू सी इट. टंग, टंग किस चीज के नाम आता है? फॉर टेस्ट. यस, टेस्ट करने के लिए टंग काम आता है. हियर इट इज योर टेक्स्ट बुक पेज. टंग, वी टेस्ट डिफरेंट थिंग्स विद आवर टंग. हम हमारी जीभ की हेल्प से अलग अलग स्वाद का मजा लेते हैं. कुछ भी खाते हैं उसका टेस्ट किससे आता है? टंग से आता है. सिमिलर
ग्रेप्स। सिमी को क्या पसंद आता है? सिमी को ग्रेप्स का जो स्वीट टेस्ट है, मीठा स्वाद है, वो सिमी को पसंद आता है। तो उसमें कौन सा सेंस ऑर्गन सिमी यूज कर रही है? टंग। टंग से उसको टेस्ट आता है, राइट। बिटर मींस कड़वा। अभय डज नॉट लाइक, उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या नहीं पसंद है? कड़वा टेस्ट, बिटर टेस्ट। किसका? ऑफ मेडिसिन। सही बात है, मेडिसिन का बहुत गंदा और कड़वा टेस्ट होता है, वो अभय को पसंद नहीं है। सो वो जो कड़वा टेस्ट है वो किसके थ्रू आ रहा है? अभय को टंग से। ओके, देन हार्ड है, उसी वजह से शुभ
शिवा लाइक द सॉफ्ट फील, उसको सॉफ्ट फील लग रहा है टेडी बियर का, उसको अच्छा लग रहा है. इन शॉर्ट द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट वी फील विद आवर स्किन. नाउ लेट अस रिकॉल, एक और बार रिकॉल कर लेते हैं. वी सी विद आवर आईज, हम आईज से देखते हैं. वी हियर विद आवर ईयर, हम ईयर से सुनते हैं. वी स्मेल विद आवर नोज, इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्रीदिंग. हम खुशबू है या फाउल स्मेल है किससे पता पड़ता है? नोज से. और हम नोज से इनहेल एक्सहेल का भी प्रोसेस करते हैं, मींस ब्रीदिंग प्रोसेस. वी टेस्ट डिफरेंट थिंग्स विद आवर टंग, हम टंग से डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को टेस्ट भी करते हैं. वी फील एंड टच विद आवर स्किन, हम महसूस करते हैं, छूते हैं किससे? हमारी स्किन से. और हमारी पूरी बॉडी किससे कवर है? होल बॉडी इज कवर्ड विद स्किन. सो हियर वी लर्न फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स, सेंस ऑफ हियरिंग ईयर, सेंस ऑफ साइट आईज, सेंस ऑफ स्मेल नोज, सेंस ऑफ टेस्ट टंग एंड सेंस ऑफ फील मींस स्किन. वी गेट फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स एंड आई विल सेंड यू द हार्ड वर्क्स इन अ पीडीएफ फॉर्म, बट प्लीज डू द रीडिंग प्रोसेस इन ऑनलाइन क्लास. आई विल आस्क यू टू रीड ऑल्सो, सो बी अलर्ट यू हैव टू डू द रीडिंग प्रैक्टिस. एंड नेक्स्ट आई विल सेंड यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर. कीप रीडिंग प्रैक्टिस. थैंक यू.